आप से जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए 3N न्यूज नेटवर्क। हर साल ध्वज बदलने का जिम्मा वरवासा गांव के युवा आपस में मिलजुल कर करते हैं। इस साल कोविड की गाइडलाइंस की पालना करते हुए भी इस पावन दिवस को नहीं भूले और आपस में मिलकर यह पर्व रूपी कार्य संपन्न किया। साबला तहसील के मुंगेर ग्राम पंचायत के वरवासा माफी गांव के चौबीसा समाज के सभी युवा आपस में मिलकर यह प्रोग्राम मनाते हैं। वरवासा माफी राजघराने के समय से प्रसिद्ध है। यह तत्कालीन डूंगरपुर रियासत के समय से वरवासा की प्रसिद्धि है। पिछले 5 सालों से यहाँ के युवा आपसी मेल मिलाप के साथ यह काम बड़ी आसानी के साथ करते हैं। गांव के शुरुआत में ही भगवा ध्वज को लगाया गया है। यह ध्वज की ऊंचाई 35 की है और पूरे गांव के लिए यह स्थान एक आस्था का केंद्र है। आने जाने वाले हर एक इंसान आस्था के साथ अपना प्रणाम करते जाता है। माने ध्वज को विधिवत जल से तर्पण किया जाता है। वरवासा माफी के युवा हर साल पुराना ध्वज उतारकर नया लगाते हैं और प्रभु श्री राम के जयकारों के साथ नया लगाया। इस अवसर युवा अध्यक्ष महेश चौबीसा के सानिध्य में गांव के सभी युवाओं ने भगवा ध्वज लगाकर गांव की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर गांव के सभी युवा मौजूद रहे, दीप प्रज्वलन करके विधिवत प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करके भगवा ध्वज फहराया। मेरे युवा साथी, प्रति वर्ष राम नवमी के उपलक्ष में जो अपान श्री राम जी का ध्वज जो नया हर साल पुराना उतार कर जो नया अपन लहराते हैं, इस वर्ष भी श्री रामनवमी की खुशी में आज भगवान श्री राम का ध्वज फहराया है और हमारे भगवान श्री राम की हमारे गांव के ऊपर हमेशा की तरह कृपा बनी रहे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।